डेंजरस वैक्यूम, खतरनाक। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। तो देखते हैं एडिटोरियल कौन सा वो वैक्यूम है, कौन सी खाली जगह है जो कि नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस शब्द पे ध्यान देना, वैक्यूम। स्पेलिंग मिस्टेक्स की दृष्टि से ये शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी मैं आपको कोई शब्द बताऊँ ना जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, तो उसे क्या है, आप बस सुना, जैसे आपने वैक्यूम सुना और तुरंत उसे लिख के देखा करो अपने। इसी प्रकार से एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शंस को ना चेक करके आप सीधा उस शब्द को लिखा करो, मतलब कि हाँ भाई वैक्यूम का जो आपको मतलब पता है ना, और फिर उसे ऑप्शन में देखा करो और तब टिक किया करो। अब देखते हैं डेंजरस वैक्यूम कि भाई कौन सी जगह है जो कि खाली हो चुकी है पूरी तरीके से और जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इफ़ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, कि ये जो मुख्य धारा के जो राजनीतिज्ञ हैं, आर डिसक्रेडिटेड। डिसक्रेडिटेड मतलब यदि मुख्य धारा के राजनीतिज्ञों की जो प्रतिष्ठा है उसे हानि पहुंचाई जाती है, उनकी रेपुटेशन को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, द स्पेस विल बी फिल्ड बाय सेसेशनिस्ट। तो ये जो खाली जगह बनेगी ना, मतलब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे मुख्य धारा के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी कि धारा 370 ये जब से लागू की हटाई है ना सरकार ने, तब से क्या चल रहा है, मतलब ये जो मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ हैं इन्हें एक तरीके से जेल में रख रखा है, मतलब एक तरीके से डिटेंशन में, हिरासत में ले रखा है इन लोगों को। तो यही एडिटोरियल बोल रहा है कि यदि आप मुख्य धारा के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी प्रतिष्ठा को अगर नुकसान पहुंचाते हो, तो ये जो स्पेस क्रिएट होगा, खाली जगह जो क्रिएट होगी, विल बी फिल्ड, ये भरी जाएगी, विल बी फिल्ड, ये भरी जाएगी किसके द्वारा, बाय सेसेशनिस्ट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये शब्द जो ये आया है सेसेशनिस्ट, इसका मतलब होता है पृथकतावादी, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, जो अलगाव का समर्थन करते हैं, जो अलग होने का समर्थन करते हैं, यानी कि वे लोग जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए। तो ऐसे लोग जो है ना वो राजनीति को भरेंगे अगर आप इन मुख्य धारा के पॉलिटिशियंस को हटा लोगे। तो ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक समझाना चाहता है। तो इसी संबंध में एडिटोरियल बोलता है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो ना आप, ये मुख्य धारा के ये जो पॉलिटिशियन लगातार परिदृश्य से गायब हो रहे हैं, तो ये जो है ये वैक्यूम जो है बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। आगे देखते हैं द डिटेंशन। अब ये देखो ये जो द लगा हुआ है ना, ये द हम क्या करते हैं जब भी किसी शब्द के आगे लगाते हैं ना, तो उसका मतलब है हम उसे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसे निश्चित करते हैं। पर्टिकुलर उसी चीज़ की बात जब हम करते हैं ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसके आगे हम द लगा देते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन हम बोलें कि डॉक्टर अमित खुराना या डॉक्टर विश्वास, तब हम उसके आगे क्या करेंगे, द, मतलब किसी को हमने निश्चित कर दिया, मतलब वो डॉक्टर। तो इस तरह से द डिटेंशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला अंडर, अब ये जो अंडर आप प्रीपोजिशन देख रहे हो ना, अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो किसी एक्ट के तहत, किसी कानून के तहत जब कोई काम किया जाता है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप पढ़ें तो बिल्कुल देख देख के पढ़ें कि कौन सा शब्द कहाँ आ रहा है, तो बस यही रूल होते हैं, मतलब कोई रूल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप बिल्कुल देख देख के पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल ढंग से, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि जब भी एक्ट या किसी कानून की बात होती है तो उसके आगे अंडर लगा होता है कि भाई इस कानून के तहत ये काम किया गया, इस एक्ट के तहत ये काम किया गया। तो देखते हैं यहाँ तक क्या, एक्ट ऑन मंडे मार्क्स अन्यू, तो यहाँ तक समझते हैं। द डिटेंशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, ये पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, NP, आगे ध्यान रखेंगे सिर्फ NP बोलेगा एडिटोरियल, तो देखेंगे हम। तो द डिटेंशन, डिटेंशन मतलब रोका जाना, डिटेंशन मतलब किसी को हिरासत में ले लेना, किसी को कस्टडी में ले लेना, किसी को रोक लेना। तो हिरासत में ले लेना, कस्टडी में ले लेना किसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं जिनका कि नाम फारूक अब्दुल्ला है। किस एक्ट के तहत, अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत क्या है भाई, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से आम जन को हानि पहुंच सकती है, तो सरकार जो है उसे हिरासत में ले सकती है, ये है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो इसके तहत फारूक अब्दुल्ला को क्या किया गया है, डिटेन कर लिया गया है ऑन मंडे, सोमवार को। मार्क्स अ न्यू, ये एक नई गिरावट को दिखाता है, मार्क्स मतलब चिन्हित करता है, ऑन मंडे सोमवार को ये जो काम किया गया सरकार के द्वारा, मार्क्स अ न्यू, मार्क्स अ न्यू डेंजरस लो, मार्क्स अ न्यू एक नया और बहुत ही खतरनाक और ये गिरावट लो इन द ओवर रीच ऑफ, ओवर रीच, ओवर रीच का मतलब होता है कि ये जो कानून है ना, ये जो सरकार है हमारी, ये कुछ ज़्यादा ही पहुंच बन चुकी है, मतलब इसकी मतलब एकदम, मतलब आपकी लिबर्टी को मतलब बहुत ही कुछ, मतलब सीमा से ज़्यादा जब आप पहुंच जाते हो ना तो उसको बोलते हैं ओवर रीच, सीमा के पार चले जाना मतलब। तो ये जो है बताता है कि मतलब ये जो सरकार है या जो सरकार के माध्यम के द्वारा ये जो कानून है ये सीमा के पार चला गया है, ओवर रीच ऑफ द स्टेट पावर।
अब ये जो स्टेट शब्द आया ना, स्टेट, इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि भाई स्टेट का मतलब तो राज्य होता है, कंट्री का मतलब देश होता है। ये जो स्टेट शब्द है STATE, स्टेट, ध्यान देना इस शब्द पे, स्टेट। इस स्टेट शब्द का मतलब होता है कि भाई कोई भी या तो राष्ट्र या कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसमें कि एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक गवर्नमेंट होती है ना, तो हम उसको स्टेट बोलते हैं। तो राज्य को भी हम स्टेट कह सकते हैं, किसी देश को भी स्टेट कह सकते हैं। मैंने बताया ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक ठीक तरह से एक सरकार कार्य कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेट पावर किसके लिए आया, भारत सरकार के लिए आया। तो क्या किया भारत सरकार ने, टू करटेल लिबर्टी इन कश्मीर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से और यहाँ तक इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, इनका रोके जाना, इनको हिरासत में लिए जाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून के तहत सोमवार को, दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि एक बहुत ही खतरनाक गिरावट आई है। मतलब ये जो हमारा कानून है, ये कानून के माध्यम से जो सरकार है, इसने मतलब सीमा को पार कर दिया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये जो स्टेट पावर है ना, इसकी स्टेट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस स्टेट पावर किस क्षेत्र में बढ़ गई है, टू करटेल, CURTAIL, करटेल का मतलब होता है कम करना, करटेल लिबर्टी इन कश्मीर की, मतलब इसके माध्यम से क्या किया है सरकार ने, ये जो स्वतंत्रता कश्मीर में जो स्वतंत्रता है, इसको और कम करने का प्रयास किया है। ये एडिटोरियल यहां तक बताता है। आगे देखते हैं और क्या एडिटोरियल बात करता है। द 81 ईयर ओल्ड, अब ये देखो यहां पर ये जो शब्द आया ना 81 ईयर ओल्ड, इसकी जगह यहां पर ये प्रयोग भी कर सकता था, पता नहीं आज क्यों छोड़ दिया इसने, वरना यहां पर लिखता है द ऑक्टोजिनेरियन, द ऑक्टोजिनेरियन, इस तरह से पूरा शब्द लिखता है द ऑक्टोजिनेरियन। अब पता नहीं आज क्यों नहीं लिखा इसने, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ऑक्टोजिनेरियन मतलब क्या। ऑक्टोजिनेरियन का मतलब होता है कि ये जो 80 वर्ष या 80 वर्ष में जो चल रहा होता है ना व्यक्ति, 80 वर्षीय या 80 वर्ष की जो अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं ऑक्टोजिनेरियन। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं भाई, सेप्टुजिनेरियन मतलब 70 वर्षीय, सेक्सागिनेरियन मतलब 60 वर्षीय, नोनाजिनेरियन मतलब 90 वर्षीय। तो वही द 81 ईयर ओल्ड लीडर हैज़ बीन थ्राइस चीफ मिनिस्टर, कि ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं जो कि 80 वर्षीय हैं, ये 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं, थ्राइस यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एंड 5 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 5 बार ये संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं और एडिटोरियल क्या बात करता है। आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि ही इज करंटली MP फ्रॉम श्रीनगर, वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला जो है वर्तमान में ये कहाँ से सांसद हैं, MP कहाँ से, श्रीनगर से हैं। हिज फादर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडर, ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं, इनके जो पिताजी हैं या जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पार्टी का गठन किया था उसका फाउंडर थे। तो कौन थे इनके पिताजी, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला लेड, यहाँ पर लेड आया नेतृत्व करने के लिए। तो इनके जो पिताजी थे, यानी कि ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं, इनके जो पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठन किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, किस चीज़ का नेतृत्व किया लेड, कश्मीर्स मुस्लिम पॉपुलेशन, कश्मीर की ये जो मुस्लिम आबादी है, इस आबादी का नेतृत्व किया। किस संबंध में नेतृत्व किया, इन रिजेक्ट करने में, अस्वीकृत करने में, किस चीज़ को रिजेक्ट करने में, द टू नेशन थ्योरी दैट लेड, अब यहाँ पर लेड आया कारण बने, लेड यहाँ पर किसके लिए आया, कारण बनने के लिए, कि वो थ्योरी जो कि कारण बनी, किस चीज़ का कारण बनी, टू पार्टीशन एंड पार्टीशन। अब देखो ये पार्टीशन, ये यहाँ पर पी जो है ना कैपिटल प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टीशन आया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। तो जब कोई शब्द, जैसे वैसे तो पार्टीशन का मतलब होता है अलग करना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पार्टीशन शब्द के माध्यम से एक घटना का ब्यौरा देना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा पार्टीशन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, इसलिए इसको क्या किया हमने, कैपिटल बना दिया मतलब। तो लेड टू पार्टीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। अब एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक ये कहना चाहता है कि ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं, इनके जो पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया था, कश्मीर में जो है नेतृत्व किया था मुस्लिम आबादी का, और उस आबादी का नेतृत्व करते हुए इन्होंने उस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया था, मतलब उस थ्योरी का इन्होंने विरोध किया था जिस थ्योरी के तहत दो नेशन बनाने की बात की गई थी, मतलब जिस थ्योरी के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जिसके कारण जो है भारत का बंटवारा हुआ, जिसके कारण पार्टीशन हुआ और फॉर्मेशन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, यानी कि इस थ्योरी का इनके पिताजी ने विरोध किया था। यानी कि इस सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए एडिटोरियल हमें ये बताना चाहता है कि साहब इनके पिताजी जो थे वो क्या थे, अखंड भारत के ही समर्थक थे मतलब। तो आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है। एंड हिज सन, अभी किन की बात हो रही है, ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला है इनके जो सन है, इनका नाम है
ओमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अब ये देखो फॉर्मर आया ना शब्द, फॉर्मर मतलब पूर्व, पहले वाला, पहले वाला तो पूर्व, पूर्व यानी कि ये क्या रह चुके हैं, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड सन ओमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, एंड यूनियन मिनिस्टर, और ये क्या रह चुके हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। इज ओमर अब्दुल्ला के लिए कहा गया, इज ऑल्सो अंडर डिटेंशन। अब ये देखो, फिर देखो यहाँ पे अंडर लगाया, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अच्छा भाई किसी को हिरासत में ले रखा है हमने, तो मतलब किसी कानून के तहत ही ले रखा होगा मतलब, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। तो ये भी जो है हिरासत में चल रहे हैं, ये भी डिटेंशन में चल रहे हैं, ये भी कस्टडी में चल रहे हैं। इज ऑल्सो अंडर डिटेंशन सिंस, कब से, अगस्त 5, 5 अगस्त से ये भी हिरासत में चल रहे हैं। और 5 अगस्त को क्या हुआ था, अब ये 5 अगस्त के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, मैं इसे ब्रैकेट में समझ सकते हैं क्या हुआ था। वैन द सेंटर एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, जब सेंटर ने पूरी तरीके से एब्रोगेट कर दिया था, एब्रोगेट मतलब रिपील कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था, मतलब बिल्कुल एक तरीके से हटा दिया था, किस चीज़ को हटा दिया था, आर्टिकल 370 को, तब से ये जो है हिरासत में बने हुए हैं। और इस आर्टिकल 370 को हटाया था किसके माध्यम से, थ्रू ए कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस, एक विवादित प्रक्रिया के तहत, मतलब जब ये आर्टिकल 370 लागू किया था तो इस प्रक्रिया पे विवाद था ना भाई, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि यार ये जो सरकार ने किया, मतलब ये सरकार ने जो है मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं किया, मतलब ये मतलब ठीक तरह से नहीं किया, नहीं किया इन्होंने, मतलब इसमें क्या है कि इन्होंने ठीक तरह से संविधान का पालन नहीं किया, मतलब इस बात में ऐसा कुछ मानना है, मतलब इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, विवादित कहा गया। आगे देखते हैं, एंडेड, और इस प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, एंड। अभी देखो मैंने कहा ना कोमा के बाद जो वाक्य शुरू होता है वो ठीक कोमा के पहले की बात होती है, तो इस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ, समाप्त हो गया, एंड 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 हो गया, किस चीज़ का एंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर रिलेटिव ऑटोनॉमी की, जम्मू एंड कश्मीर की तुलनात्मक, रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि यदि आप अपना शासन स्वयं चला सकते हो ना तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, स्वयं शासन। हिंदी में बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर शब्द है स्वायत्तता, यानी कि हमने क्या कर रखा था कि जम्मू कश्मीर को थोड़े से स्पेशल प्रावधान दे रखे थे, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है ना कुछ हद तक अपने फैसले खुद कर सकता था, इसलिए इसे क्या क्या कहा है हमने, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है कुछ हद तक ऑटोनोमस था, अन्य जो राज्य हैं वो ऐसा नहीं है, मतलब अन्य राज्यों पर जो है ना संविधान पूरी तरीके से लागू होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या था, कुछ अलग संविधान भी था मतलब। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटाया हमने, और इसके माध्यम से ये जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था या इसकी जो रिलेटिव ऑटोनॉमी थी ये समाप्त हो गई। एंड इज, और क्या कर रही है अब सरकार, एंड इज रीऑर्गेनाइजिंग, दोबारा से गठन कर रही है, किस चीज़ का गठन कर रही है, किस चीज़ का निर्माण कर रही है, इट, इट आया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए, और दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर राज्य का क्या कर रही है, एंड रीऑर्गेनाइजिंग इट इनटू, इनटू, ये जो इनटू प्रीपोजिशन देख रहे हो ना आप, ये इनटू प्रीपोजिशन आता है अवस्था में परिवर्तन के लिए। भाई क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पहले तो क्या था, एक राज्य हुआ करता था, अब इसकी अवस्था परिवर्तित करके क्या किया हमने, इसे दो भागों में बांट रहे हैं हम इसकी, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना। तो ध्यान रखें जब भी स्टेट, स्टेट में हम जब परिवर्तन लाते हैं ना, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की स्थिति में जब हम परिवर्तन लाते हैं तो इनटू प्रीपोजिशन हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो रीऑर्गेनाइजिंग, तो सरकार क्या कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से जो है रीऑर्गेनाइज कर रही है, दोबारा से इसका गठन कर रही है, इनटू टू यूनियन टेरिटोरीज, दो केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल और बात करता है। वाइल, अब ये देखो वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये देखो ये लंबा सेंटेंस है कोमा लग के, मतलब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं इससे, ये वाइल जो है या कोमा के बाद में भी लगाया जा सकता था, तो इस तरह से ये दो सेंटेंस, मतलब दो घटनाएं जो साथ ही साथ घटे, मतलब तब हम वाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। वाइल द बीजेपी एंड द सेंटर हैव क्लेम्ड मैसिव पब्लिक सपोर्ट और दीज मूव्स, अब यहां तक देखते हैं इसको क्या एडिटोरियल कहना चाहता है यहां तक, क्योंकि यहां फिर एक तरीके से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। वाइल, जबकि कि ये जो हमारी बीजेपी पार्टी है या जो हमारी ये केंद्र सरकार है, ये क्या दावा करती हैव क्लेम्ड, क्या दावा किया है इन्होंने, इन्होंने ये दावा किया है मैसिव पब्लिक सपोर्ट, मैसिव का मतलब होता है एक विशाल पैमाने पर, मैसिव मतलब जोरदार, दमदार, एक ह्यूज, व्यापक, विशाल, कि भाई केंद्र सरकार ने और या फिर बीजेपी पार्टी ने क्या दावा किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि साहब हमें ना मैसिव पब्लिक सपोर्ट है, मतलब कि ये जो हमने कदम उठाए मूस या मूस आया है, ये जो धारा 370 को हटाने का ये जो कदम है, इस तरह के ये जो कदम उठाए ना सरकार ने, कि इस तरह के कदमों के लिए हमें क्या है, मतलब एक व्यापक जन समर्थन है, मतलब मैसिव पब्लिक सपोर्ट, व्यापक जन समर्थन, इस प्रकार का दावा देखने को मिला है हमें बीजेपी पार्टी के द्वारा या हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ अब देखो एक बात तो ये हो गई वाइल, अब दूसरी बात क्या चल रही है साथ ही साथ, द कश्मीर वैली हैज़ बीन इन शट डाउन सिंस देन। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि आपको व्यापक जन समर्थन मिला हुआ है, और दूसरी तरफ क्या देखने में आ रहा है, द कश्मीर वैली, ये जो हमारी कश्मीर घाटी है,
हैज़ बीन इन शट डाउन सिंस देन, तब से ही जब से धारा 370 हटाई गई है तब से ही वहाँ पर शट डाउन की हालत बनी हुई। शट डाउन मतलब सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है, मतलब सब कुछ रुका हुआ है वहाँ पर, मतलब चीज़ें मतलब बंद पड़ी है। मतलब पहले तो हमने देखा था ना बिल्कुल शुरुआत में, तो सारे संचार के साधन, लोगों का आना जाना बंद, बिल्कुल एकदम कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन, मतलब तो उसी को कहा गया है कि तभी से एक तरफ तो बीजेपी और केंद्र सरकार ये दावा करती है कि साहब हमें जो है व्यापक जन समर्थन है, और दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है कि तब से जब से ये धारा 370 या इस तरह के मूव सरकार ने लिए हैं, कदम जब सरकार ने उठाए, तब से कश्मीर में शट डाउन की हालत बनी हुई है। डेस्पाइट, डेस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डेस्पाइट हिज डिक्लाइनिंग पॉपुलरिटी इन द वैली, फारूक अब्दुल्ला। अब ये देखो फारूक अब्दुल्ला के लिए कहा गया है, ये जो बात आई है ना आगे कोमा के पहले जो बात आई है, अब ऐसा भी कर सकता था फारूक अब्दुल्ला को आगे लगा के और इस सेंटेंस को पीछे लगा देता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो इसकी ना लिखने की अपनी शैली होती है, मतलब किसी को आगे बोल दिया किसी को पीछे बोल दिया, थोड़ा सा क्या है वाक्य को रोचक बनाने के लिए, वाक्य को ढंग से कहने के लिए, प्रभावोत्पादक तरीके से कहने के लिए, इफेक्टिव तरीके से कहने के लिए क्या इन शब्दों को आगे पीछे करता है एडिटोरियल। तो डिस्पाइट हिज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब घटती हुई, डिक्लाइनिंग पॉपुलरिटी इन द वैली, कि ये जो कश्मीर घाटी है इसमें ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं इनकी जो है प्रतिष्ठा जो है, इनकी ये पॉपुलरिटी जो है, मतलब ये लगातार कम हो रही है, मतलब और इस लगातार कम होती हुई पॉपुलरिटी के बावजूद भी अब्दुल फारूक अब्दुल्ला कंटिन्यूड टू आर्ग्यू, ये लगातार मतलब आर्ग्यू करते रहें, किस बात को लेकर आर्ग्यू करते रहें, दैट कश्मीर डेस्टिनी, कि ये जो हमारा कश्मीर का मुकद्दर है, ये जो हमारी कश्मीर है इसकी जो तकदीर है या डेस्टिनी आया है, मतलब आपके भाग्य के लिए, मतलब वाज विद सेक्युलर प्लूरलिस्ट इंडिया। तो लगातार फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो इस बात को कहते रहे कि साहब ये जो हमारा कश्मीर था ना इसकी नियति जो है, इसका मुकद्दर जो है हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष बहुलतावादी इंडिया के साथ रहा है। मतलब इस चीज़ के कारण क्या है इनकी पॉपुलरिटी में भी कमी आई है, मतलब काफ़ी सारे मुस्लिम लोग हैं जो कि इनके खिलाफ है, जब इस तरह की बातें कहते हैं ना मतलब, तो काफ़ी सारे लोग इसका विरोध करते हैं, मतलब तो इससे इनकी पॉपुलरिटी में भी कमी आई मतलब लगातार, लेकिन फिर भी ये लगातार इस बात को कहते रहे कि साहब ये जो कश्मीर है इसकी नियति जो है कि कश्मीर जो है किसके साथ है, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष और ये जो बहुलतावादी भारत है उसके साथ है कश्मीर। टू ट्रीट हिम एज अ थ्रेट, तो ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं इनको ट्रीट करना, किस रूप में ट्रीट करना, एज अ मतलब इस रूप में, एज अ थ्रेट एक खतरे के रूप में देखना फारूक अब्दुल्ला को, टू पब्लिक सेफ्टी कि भाई इस बात को देखना मतलब कि ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं ये क्या है कि ये जो पब्लिक है ना मतलब जनता है, जनता की सुरक्षा के लिए जो है ये मतलब एक खतरा है, मतलब इस तरह से अगर हम फारूक अब्दुल्ला को देखते हैं ना, इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। अब ये शब्द देख रहे हो ना आप, ट्रेवेस्टी TRAVESTY, ये बड़ा ही शब्द मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है, मतलब जो कि द हिंदू में ही प्रयोग होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें। इस ट्रेवेस्टी शब्द का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का मखौल उड़ाना। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसने कि इस तरह के स्टेटमेंट जो देता रहा है कि साहब ये जो हमारा कश्मीर है इसकी नियति किसके साथ है, इसकी नियति एक धर्मनिरपेक्ष वाले भारत के साथ है, मतलब इस तरह की जो बातें कहता रहा है, ठीक है। और इसके पहले हमने क्या देखा कि इनके जो पिताजी थे इन्होंने भी मतलब क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जो है इन्होंने मतलब विरोध किया था, मतलब तो इस तरह के ये जो लोग हैं मतलब, तो इनके बारे में हम जो है फारूक अब्दुल्ला के बारे में अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो है आम जन के लिए खतरा है, तो इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, तो ये एक तरीके से ये मानो कि न्याय का मजाक उड़ाना है, मतलब एंड एन असॉल्ट, और एक हमला है, किस चीज़ पर हमला है, ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, असोल्ट ऑन, इस असोल्ट के साथ अक्सर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग देखने को मिलता है कि भाई खतरा है, किस पर खतरा है, कि ये जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, हमारे जो डेमोक्रेटिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर एक हमला है, मतलब ये मतलब एक और एक तरीके से ये क्या है कि ये न्याय का भी मजाक है। अब देखते हैं आगे एडिटोरियल और क्या बात करता है। आगे एडिटोरियल बोलता है, दूसरा पैराग्राफ हमारा शुरू हो चुका है, कि द मैनर इन विच ही वॉज डिटेंड, कि वो तरीका जिस तरीके के तहत मतलब जिस रूप में उनको जो है डिटेन किया गया, जिस रूप में उनको हिरासत में लिया गया, स्मैक्स ऑफ, अब ये शब्द पे ध्यान देना, स्मैक ऑफ, ये स्मैक ऑफ जो शब्द आप देख रहे हो ना ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या होता है इस स्मैक ऑफ का मतलब, इस स्मैक ऑफ का मतलब होता है टू बी अ साइन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई जो बुरा है मतलब उस बुरे का एक चिन्ह होना, मतलब टू बी अ साइन ऑफ समथिंग बैड। तो इनका हिरासत में लिया जाना यानी कि जिस रूप में इनको हिरासत में लिया गया है ना ये क्या दिखाता है, मतलब ये स्मैक्स ऑफ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये दिखाता है, मतलब ये एक सूचना देता है, मतलब एक चिन्ह की तरह देखा जाना चाहिए, मतलब कि
ये जो हमारा कानून है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का जो शासन है, उसके प्रति कंप्लीट डिसरिगार्ड की, भाई कानून का तो हम बिल्कुल सम्मान ही नहीं किया। मतलब हमने केंद्र सरकार के लिए कहा जा रहा है कि भाई, केंद्र सरकार के लिए बताया जा रहा है कि आप जो है जिस रूप में उनको हिरासत में लिया गया, उनको कस्टडी में रोका गया, मतलब ये एक तरीके से क्या है, मतलब एक एक बुरा प्रतीक है, मतलब एक ऐसा साइन है, मतलब जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है, मतलब कंप्लीट डिसरिगार्ड कि ये जो कानून है, कानून का जो शासन है, उसके लिए हमारे मन में मतलब कोई सम्मान ही नहीं है। कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, और किसके लिए है डिसरिगार्ड, एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि भाई जो आपने एक्शन लिया है इसका कारण बताओ, आप जवाब दो, मतलब इसको किस किस आधार पे आपने ये काम किया है, मतलब तो ये दिखाता है, मतलब सरकार ने बस कर दिया इनको, मतलब तो दिखाता है, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जवाबदेहिता जो होती है, उसके प्रति भी हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है। ये जो लॉ होता है, इसके प्रति भी हमारे मन में कोई सम्मान नहीं, मतलब केंद्र सरकार के लिए कही जा रही है ये बातें। आगे देखते हैं, हिज डिटेंशन फॉर 12 डेज, उनको हिरासत में लिया जाना, उनको हिरासत में रोका जाना 12 दिनों के लिए, वाज अनाउंस्ड, तो उनका ये जो हिरासत का, उनको हिरासत में लिया जाना, हिज डिटेंशन, उनकी हिरासत को जो है उसकी घोषणा की गई थी, वाज अनाउंस्ड आवर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कब की गई थी इनकी घोषणा, मतलब इस डिटेंशन फॉर 12 दिनों के लिए, वाज अनाउंस्ड, इसकी घोषणा की गई थी आवर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज टू कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, संज्ञान में लेना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, विचार करने जा रहा था, किस चीज़ पर विचार करने जा रहा था, MDMK, ये एक पार्टी का नाम है जिसके की चीफ है, जिसके की मुख्य है, कौन है, वाइको, एक व्यक्ति का नाम है ये। उनकी याचिका थी, क्या याचिका थी उनकी, प्लिया सीकिंग, वे मांग कर रहे थे, मिस्टर वाई को मांग कर रहे थे, किस चीज़ की मांग कर रहे थे, सीकिंग है डायरेक्टिव, एक निर्देश की, मतलब निर्देश दिए जाएँ, मतलब डायरेक्टिव दिए जाएँ, दैट मिस्टर अब्दुल्ला बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। अब देखो इन लाइन्स का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या एडिटोरियल यहाँ कहना चाह रहा है कि साहब, इनका इनको ये जो हिरासत में लिया गया 12 दिनों के लिए, इसकी जो घोषणा जो की गई, वो घोषणा बिल्कुल तब की गई, बिफोर कब की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट लेने ही वाला था, वाज टू, वाज टू का मतलब है करने वाला था, होने वाला था, लेने वाला था, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात पर विचार करने जा रहा था, कंसिडर किस चीज़ पर विचार करने जा रहा था, एक याचिका है जो कि मैंने बताया ना, एक व्यक्ति हैं जिनका कि नाम है वाइको, जो कि MDMK पार्टी के मुख्य हैं, इन्होंने क्या किया था, एक मांग की थी, मतलब एक याचिका लगाई थी जिसके तहत इन्होंने सीख किया था, मांग की थी कि भाई निर्देश जारी किए जाएँ, कौन सा निर्देश जारी किए जाएँ, कि मिस्टर अब्दुल्ला को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, कि भाई मिस्टर अब्दुल्ला जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, इस संबंध में, इस बात से संबंधित इन्होंने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, और कोर्ट जो है इस बात पर विचार करने जा रहा था, वाज टू कंसिडर, मतलब कोर्ट को ऐसा करना था, मतलब इस याचिका पर विचार करना था, मतलब कोर्ट करने वाला था, इसके जस्ट पहले ये फैसला आया उनको हिरासत में लेने की, ये जो है उनको घोषणा की गई। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल और बात करता है, इन पार्लियामेंट लास्ट मंथ, संसद में पिछले महीने क्या देखने को मिला हमें, होम मिनिस्टर, हमारे ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, हैड सेड द, इन्होंने क्या कहा था, मतलब उस समय क्या देखने को मिला था, मतलब बीत गई है वो घटना, इसलिए कहा गया हैड सेड, पास्ट ऑफ द पास्ट, क्या कहा था इन्होंने, मतलब वहाँ पे पिछले महीने क्या देखने को मिला था हमें, द NC लीडर, कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो हमारे लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, वाज नॉट इन डिटेंशन, इन्होंने क्या कहा था कि साहब ये कस्टडी में नहीं है, हिरासत में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था, बट वाज स्टेइंग एट होम, स्टे के साथ अक्सर एट प्रीपोजिशन का देखने को प्रयोग हमें देखने को मिलता है, स्टे एट होम का मतलब है घर पर रहना, मतलब स्टेइंग एट होम ऑन हिज ओन। तो हमारे ये जो अमित शाह हैं, इन्होंने लास्ट मंथ क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारे फारूक अब्दुल्ला हैं, इनको किसी भी तरह की कस्टडी में, किसी भी तरह के डिटेंशन में नहीं लिया गया है, ये यदि घर पर रुके हुए हैं, स्टेइंग एट होम, यदि स्टे मतलब रहना, रुकना, यदि ये घर पर रुके हुए हैं तो ये इनकी खुद की इच्छा है, ऑन हिज ओन वॉलिशन, इस शब्द पर ध्यान देना, वॉलिशन, ये वन वर्ड में सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जा सकता है आपके, वॉलिशन का मतलब होता है जब आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हो तो उसको बोलते हैं वॉलिशन, ऑन विल, आपकी खुद की जो विल होती है ना उसके अनुसार करते हो। तो यही अमित शाह ने कहा कि साहब हमने कोई कस्टडी में नहीं लिया है, अगर वो घर पे रुके हुए हैं तो अपनी इच्छा से रुके हुए हैं। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है, आगे एडिटोरियल कहता है कि द डिटेंशन, कि अभी देखो वही डिटेंशन, मतलब डिटेंशन तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बात की गई है तो इसलिए हमने क्या किया है, डिटेंशन लगाया। पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फारूक अब्दुल्ला के डिटेंशन की बात कर रहे हैं। तो द डिटेंशन हैज़ नाउ बीन लीगलाइज, और ये जो हिरासत है, इस हिरासत को क्या कर दिया गया है, अब इस हिरासत को मतलब कानूनी बना दिया गया है, मतलब लीगलाइज, कैसे कानूनी बना दिया गया, उसे हैज़ नाउ बीन लीगलाइज अंडर, किसके तहत उसे कानूनी बना दिया गया, अंडर स्ट्रिंजेंट, ये जो स्ट्रिंजेंट शब्द आया ना, इसका मतलब होता है सख्त या कठोर,
मैं ये आपके लिए ही मैंने पहली बार इस शब्द को स्ट्रिंजेंट पढ़ा है, वरना मैं इसे हमेशा स्ट्रिंगेंट ही पढ़ता हूँ, मतलब स्ट्रिंगेंट, ये गलत है स्ट्रिंगेंट, लेकिन मैं पढ़ता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंजेंट जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ध्यान रह जाता है कि यार यहाँ पर हो सकता है जे आता होगा, यार स्ट्रिंजेंट पढ़ रहे हैं ना हम इसे, तो हो सकता है जे आता होगा। तो कहने का मतलब है इस नियम को आप अपने दिमाग में ध्यान रखें कि शब्द जो है उसका, ये तो हमें पता ही है कि इंग्लिश में शब्द जो लिखा होता है बिल्कुल ठीक वही उसका उच्चारण नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है मतलब, लेकिन आप स्पेलिंग मिस्टेक्स की दृष्टि से कोई गलती ना हो तो अपने मन में जो है ना आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं उसे। जैसे कि मैं इस शब्द को क्या पढ़ता हूँ, स्ट्रिंगेंट पढ़ता हूँ, लेकिन हम इसे बोलते क्या है, स्ट्रिंजेंट। तो देखते हैं कि ये जो हिरासत उनको, ये जो हिरासत है जिसके तहत फारूक अब्दुल्ला को रोका गया है, इसे क्या कर दिया गया है, अब लीगलाइज कर दिया गया है। मतलब किसके तहत? अंडर है स्ट्रिंजेंट लॉ, एक कठोर कानून के तहत, दैट अलाउस, जो कि अनुमति देता है, किस चीज़ की अनुमति देता है, लिमिटेड रेमेडीज, लिमिटेड रेमेडीज, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, आपको सीमाबद्ध कर देना, मतलब लिमिट कर देना, मतलब भाई आपका आपके दायरे को सीमित कर देना, उसको बोलते हैं लिमिटेड। दैट अलाउस लिमिटेड रेमेडीज, तो इसके तहत इस कानून में जो है ना, मतलब रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार, उपचार होना। तो इस कानून के तहत, मतलब जिस एक कठोर कानून के तहत, मतलब उनको जो है अब उनका हिरासत जो है उसको लीगलाइज्ड कर दिया गया है, और अब जो है ना इसके तहत मतलब उनको बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया है, मतलब बहुत कम उपचार है मतलब यहाँ पर, एंड कुड बी एक्सटेंडेड। और ये जो इनकी हिरासत है, अब ये यहाँ पे कुड जो देखने को मिल रहा है ना, ये कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि ठीक है उनको ये स्ट्रिक्ट कानून के तहत जो है, मतलब उनकी ये जो, मतलब क्या किया गया है, उनकी जो मूवमेंट्स है उनको बिल्कुल, दैट अलाउस लिमिटेड रेमेडीज, मतलब बिल्कुल एकदम लिमिट, एकदम सीमा में बांध दिया गया है मतलब उनको बिल्कुल, एंड कुड बी एक्सटेंडेड, और ये जो कानून है जिस कानून के तहत इनको डिटेन किया गया है, कुड बी एक्सटेंडेड, इस बात की संभावना है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, अब एक्सटेंड करोगे आप तो कहाँ तक करोगे एक्सटेंड, तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग, एक्सटेंड टू, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं हम इस सीमा को, कहाँ तक ले जा सकते हैं सीमा को, एज लॉन्ग, उतना लंबा ले जा सकते हैं, एज 2 ईयर्स, अब देखो इस शब्द पर ध्यान देना, एज लॉन्ग, एज 2 ईयर्स, एज लॉन्ग, उतना लंबा किया जा सकता है इस अवधि को, कितना लंबा, एज 2 ईयर्स, दो अवधि के बराबर, एज, एज का मतलब होता है इस, इसके बराबर, एज, एज, एज लंबा, उतना लंबा जितना कि 2 साल की अवधि होती ना, यानी कि उनके डिटेंशन को 2 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ये एडिटोरियल जो है हमें यहाँ बताना चाह रहा है। द मूस, कि ये जो हमारे सरकार ने कदम उठाए हैं ना, मतलब द मूस टू साइलेंस, लोगों को चुप करने के, मतलब यानी कि उनकी जो बोलने की आज़ादी है, उस बोलने की आज़ादी को छीनने के जो कदम है, द मूव टू साइलेंस एंड ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब है अपमान करना, द मूव टू साइलेंस एंड ह्यूमिलिएट कश्मीर्स सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, कश्मीर के ये जो बिल्कुल सीनियर है ना, सीनियर मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर जो आदमी होता है ना उसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन। तो ये जो मूव सरकार ने उठाए हैं किसके लिए उठाए हैं, ये मूव जो उठाया गया है साइलेंस करने के लिए, चुप करने के लिए, और किसका अपमान करने के लिए, किसका अपमान करने के लिए, ये जो कश्मीर के हमारे सीनियर पॉलिटिशियन है बिट्रेस, अब यहाँ पे ये जो शब्द आया ना बिट्रेस, इस वैसे बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना, लेकिन यहाँ पर बिट्रे शब्द का मतलब है एविडेंस ऑफ, मतलब ये जो कदम सरकार ने उठाए हैं ये प्रमाणित करती है इस बात को, इस बात को दिखाती है, किस चीज़ को दिखाती करती है, तो यहाँ पे बिट्रे आया दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, ये दिखाते हैं, प्रमाणित करते हैं किस चीज़ को, ए डेंजरस टैक्टिक, ए ये एक दिखाते हैं, ए डेंजरस टैक्टिक ऑफ मार्जिनलाइजिंग द मॉडरेट मैन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, कि सरकार जो है एक खतरनाक पैंतरेबाजी का इस्तेमाल कर रही है, मतलब टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब होता है कोई नीति, कोई चाल, कोई पैंतरा, कि सरकार जो है कुछ ऐसी नीति का, कोई ऐसे पैंतरे का इस्तेमाल कर रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और उसके माध्यम से सरकार क्या करना चाह रही है, मार्जिनलाइजिंग, मार्जिनलाइजिंग का मतलब है हाशिए पे ढकेल देना, किसी का महत्व कम कर देना, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइजिंग। तो सरकार किसका महत्व कम करना चाह रही है, द मॉडरेट, मध्यम स्तर के, मॉडरेट मतलब बिल्कुल मीडियम लेवल के, मॉडरेट या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, कि सरकार इस तरह के कदम उठा के, जिन कदमों के माध्यम से क्या करना चाह रही है सरकार, कि ये जो हमारे मुख्य धारा के या जो मॉडरेट धारा के ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके महत्व को जो है कम करने का प्रयास कर रही है, या उनको हाशिए पे ढकेल करने का प्रयास कर रही है। तो ये सरकार की ये डेंजरस टैक्टिक को दर्शाते हैं, इस प्रकार के जो कदम है ना सरकार के जो कदम है कि इनकी लिबर्टी छीन लेना, इनका अपमान करना, यही एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं और एडिटोरियल क्या बात करता है, ऑलमोस्ट, लगभग ऑल कश्मीर पॉलिटिकल लीडर्स आर इन जेल, लगभग कश्मीर के जितने भी हमारे ये मुख्य धारा के ये जो हमारे लीडर्स हैं ना, ये सभी इस संभव वक्त क्या है, कस्टडी में है, हिरासत में है, जेल में है।
इंक्लूडिंग कौन को शामिल करते हुए, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं इनमें, ये भी इंक्लूड हैं, कौन कौन शामिल हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एंड पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती, एंड द आईएएस ऑफिसर टर्न्ड पॉलिटिशियन शाह फैजल। ये शाह फैजल जो है ना, ये क्या थे, आईएएस ऑफिसर थे, हमारे पूर्व आईएएस ऑफिसर थे, जो कि बाद में क्या बन गए, ये पॉलिटिशियन बन गए। तो ये सब जो हैं, सब क्या हैं, अभी वर्तमान में जेल में हैं। दे हैव कैप्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस अलाइव इन कश्मीर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अब इन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो कि अभी जेल में है। दे हैव कैप्ट, इन्होंने रखा, मतलब बनाए रखा, किस चीज़ को बनाए रखा, द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि ये जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है ना जिसके तहत कोई भी काम किया जाता है, अलाइव। इन्होंने क्या किया कश्मीर में, इन लोगों ने जो कि अभी जेल में है, इन लोगों ने कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को जीवित बनाए रखा इन कश्मीर, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये जो ऑड्स शब्द आया ना, ऑड्स शब्द का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब काफ़ी सारी, मतलब जो है ना, मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसेस देखने को मिली, काफ़ी सारी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ भी ये लोग जो है जूझते रहे और राजनीतिक प्रक्रिया को इन लोगों ने जो है जीवित बनाए रखा। एंड और क्या एडिटोरियल आगे बात करता है, डेस्पाइट थ्रेट्स के बावजूद, धमकियों के बावजूद, खतरे के बावजूद, कौन सी खतरे या कौन सी धमकियों के बावजूद, किस खतरे के बावजूद, एंड डेस्पाइट थ्रेट्स इवन एज, अभी शब्द पर ध्यान देना, इवन एज जो शब्द आया ना, इवन एज, इस इवन एज शब्द का मतलब होता है वाइल, जबकि, डब्ल्यू एच आई एल ई, इस इवन एज का मतलब होता है वाइल, जबकि, एट द सेम टाइम, इवन एज सम सेक्शंस, कि कुछ जो वर्ग है, कुछ सेक्शन जो है ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो कश्मीर की जो संख्या है, कश्मीर की जो आबादी है, उसका जो एक, उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन, उसका जो कुछ वर्ग है, रिमेंड बना रहा अलूफ। अलूफ का मतलब है कि भाई हम बिल्कुल कटे रहना किसी चीज़ से, अलग बने रहना, मतलब उसको बोलते हैं अलूफ, और हॉस्टाइल टू इंडिया। तो इस लाइन्स में एडिटोरियल हमें ये बताना चाहता है कि कश्मीर का एक वर्ग है, मतलब एक पॉपुलेशन है, जो कि मतलब दूर बनी रही, मतलब अलग बनी रही, मतलब या फिर भारत के प्रति जो है ना एक दुश्मनी भरा रवैया अपनाया, मतलब एक काफ़ी सारी एक जनता है कश्मीर में उस लोगों ने, इसके बावजूद भी इन लोगों ने मतलब क्या किया, इन लोगों ने जो है राजनीतिक प्रक्रिया का ही सपोर्ट किया, मतलब इन लोगों ने जो कि वर्तमान में जेल है। ये एडिटोरियल जो है हमें यहाँ से यहाँ तक बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है। द आर्ग्यूमेंट दैट कश्मीरी पॉलिटिशियंस यूज्ड द स्टेट्स स्पेशल स्टेटस, कि ये जो तर्क दिया जाता है ना, कौन सा तर्क, कि ये जो कश्मीर के राजनेता हैं, इन्होंने प्रयोग किया, किस चीज़ का प्रयोग किया, स्टेट्स स्पेशल स्टेटस, कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, इस विशेष राज्य के दर्जे का कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया, टू शील्ड, बचाव करने के लिए, शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, कि जम्मू एंड कश्मीर लोगों ने कश्मीर राज्य के स्पेशल दर्जे का फ़ायदा उठाया और उन्होंने बचाव किया, किस चीज़ का बचाव किया, टू शील्ड देयर करप्शन एंड नेपोटिज्म इज डिसइंजेनस। अब ये देखना, ध्यान देना, ये इज शब्द का जो प्रयोग हुआ ना, ये जो क्रिया आई है, जो वर्ब आई है, ये आई है इस आर्ग्यूमेंट के लिए, किसके लिए आई है, आर्ग्यूमेंट के लिए, कि भाई एक तर्क दिया जाता है, कौन सा तर्क दिया जाता है, ये कहा जाता है, मतलब बार बार एक तर्क दिया जाता है कि ये जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने कश्मीर के स्पेशल राज्य होने का फ़ायदा उठाया और इन्होंने क्या किया, स्पेशल राज्य होने के कारण उस दर्जे का लाभ उठाते हुए अपने करप्शन को छुपा लिया, मतलब शील्ड कर लिया, बचा लिया, और इन्होंने क्या किया, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब भाई भतीजावाद का मतलब कि भाई मैं आज जो है, मतलब सरकार मेरे हाथ में, तो मैं अपने बेटे को ही जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहूँगा, या अपने चाचा को ही जो है सांसद बनाना चाहूँगा, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। तो यही तर्क दिया जाता है कि भाई कश्मीर, जिसको कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तो इस स्पेशल राज्य के दर्जे का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने क्या किया, मतलब यहाँ के पॉलिटिशियन ने करप्शन को छिपाया और नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया। लेकिन एडिटोरियल बोलता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इज डिसइंजेनुअस, कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, इज डिसइंजेनुअस, ये मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये झूठा है, मतलब फाल्स है, मतलब डिसइंजेनुअस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर, मतलब बेईमानी से भरा हुआ, झूठा, कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये गलत है, मतलब ये झूठा है ये आर्ग्यूमेंट। एज, क्यों झूठा है आर्ग्यूमेंट, क्यों गलत है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि एज दीज प्रॉब्लम्स, कि कौन सी प्रॉब्लम, ये जो करप्शन की प्रॉब्लम है या फिर नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है, ये नेपोटिज्म शब्द पे ध्यान देना, ये वन वर्ड में देखने को मिलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्यों तर्क ये झूठा है, क्यों, क्योंकि ये जो इस तरह की समस्याएं हैं, यानी कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, एज दीज प्रॉब्लम्स आर एंडेमिक टू इंडियन पॉलिटिक्स, ये मतलब जो है ना एंडेमिक। अब इस एंडेमिक शब्द का क्या मतलब होता है, एंडेमिक शब्द का मतलब होता है कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज़, या फिर कोई भी कंडीशन, कोई भी स्थिति जो कि मतलब एक सर्टेन एरिया में, एक निश्चित एरिया में लगातार पाई जाती है, मतलब लगातार बनी रहती है ना, मतलब कि डिसीज़ और कंडीशन रेगुलरली फाउंड इन अ सर्टेन एरिया, तब हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, एंडेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं, एंडेमिक।
तो मतलब जो है यानी कि भारत नाम का ये जो क्षेत्र है ना, मतलब ये जो एक बड़ा पर्टिकुलर क्षेत्र है भारत, तो इसमें लगातार एक ये जो क्षेत्र है मतलब इसमें क्या है, ये लगातार देखने को मिलती है हमें ये सिचुएशन, मतलब रेगुलरली बनी ही हुई है, मतलब ये करप्शन की ये जो है और नेपोटिज्म जो है लगातार ये भारत में जो है बने हुए लगातार। तो ये जो तर्क जो है ना ये तो आपका गलत है, मतलब कि ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई ये समस्याएं जो है ये तो हर जगह ही देखने को मिलती हैं। अब देखो एक शब्द आया है एंडेमिक, अब इस शब्द पे हम ध्यान देते हैं कि कौन सा शब्द है एंडेमिक। एक और शब्द होता है वो क्या होता है, वो होता है एपिडेमिक, EPIDEMIC एपिडेमिक। और एक और शब्द होता है उसको बोलते हैं पंडेमिक, PANDEMIC पंडेमिक। तो तीन शब्द हुए हमारे एंडेमिक, एपिडेमिक और पंडेमिक। इन तीनों शब्दों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है ना तो ये तीनों शब्द मिलेंगे आपको ऑप्शन में, तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। अब इनमें अंतर समझो कि पहला है एंडेमिक। एंडेमिक शब्द का मतलब होता है कि कोई भी डिसीज़ या कोई भी कंडीशन जो कि लगातार जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, मतलब लगातार, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जैसे कि भ्रष्टाचार है ये भारत में लगातार मतलब बना ही रहता है, मतलब गरीबी है जो कि भारत में लगातार बनी ही रहती है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण नाम की जो बीमारी है ना लगातार भारत में जो है देखने को मिलती है लगातार, तो इसको हम क्या कहेंगे एंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी डिसीज़ जब होती है ना, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है, मतलब कोई भी संक्रामक बीमारी जो होती है वो जो है एक व्यापक क्षेत्र में जब फैल जाती है, मतलब विशाल क्षेत्र में, वाइड स्प्रेड, मतलब एक व्यापक क्षेत्र में जब कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ फैल जाती है, जैसे कि मानो स्मॉल पॉक्स हुआ, मतलब चेचक हुआ, मतलब ठीक है, अब ये क्या हुआ एक मतलब एक व्यापक क्षेत्र पर जब फैल गया तो उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक, क्योंकि कोई भी डिसीज़ जब एक व्यापक क्षेत्र पर फैल जाती है मतलब तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। पंडेमिक क्या हुआ, पंडेमिक का मतलब हुआ कि जब कोई एपिडेमिक डिसीज़ जो होती है वो एपिडेमिक डिसीज़ पूरे विश्व में फैल जाती है उसको बोलते हैं पंडेमिक। कि भाई जैसे चेचक हुआ, अब ये चेचक भारत के साथ नेपाल, भूटान, चाइना, ताइवान, इधर अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान और इधर होता हुआ कहाँ चले जाए, अरब कंट्रीज़ और यूरोप, इन सब में फैल जाए, तो इसको कहेंगे कि भाई ये जो महामारी है, ये जो एपिडेमिक है, ये पंडेमिक बन चुकी है, मतलब ये जो महामारी थी एपिडेमिक ये अब वैश्विक महामारी बन चुकी है। तो ध्यान रखना है इस शब्द पे कि एंडेमिक का मतलब हुआ कि कोई भी कंडीशन या कोई भी डिसीज़ जो कि लगातार एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एपिडेमिक का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ या कोई भी एक ऐसी मतलब एक एक कंडीशन जो कि एक वाइड स्प्रेड क्षेत्र में फैल जाती है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और एपिडेमिक ही जब पूरे वैश्विक स्तर पर फैल जाती है तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं पंडेमिक। तो इन तीन शब्द में अंतर बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल हमें बात करता है। द अमोरलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रो इंडिया फोर्सेस। प्रो इंडिया, प्रो इंडिया का मतलब है जो लोग भारत का समर्थन करते हैं, ये जब प्रो किसी के आगे लगा देते हैं ना इसका मतलब होता है समर्थक, प्रो इंडिया मतलब जो भारत के सपोर्टर है, मतलब। द अमोरलिटी, अमोरलिटी का मतलब क्या है, अमोरलिटी का मतलब है यहाँ पे कि नीति भ्रष्टता, मतलब ये जो मतलब जो एक्शन है ना भारत सरकार का इसको मतलब नीतिपूर्ण नहीं कह सकते हैं, मतलब एक अच्छा नहीं कह सकते, मतलब मॉरलिटी नहीं कह सकते। द अमोरलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रो इंडिया फोर्सेस, यानी कि ये लोग जो कि वर्तमान में हिरासत में है, जम्मू एंड कश्मीर के लीडर जो कि प्रो इंडिया है यानी कि भारत के समर्थक हैं, प्रो इंडिया फोर्सेस, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है शब्द प्रो इंडिया फोर्सेस, ऐसी ताकतें जो कि भारत का समर्थन करती हैं। इज द अमोरलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रो इंडिया इज सर्टेनली डिस्पिरिटिंग। तो ऐसा सरकार का ये जो कदम है ना, मतलब ऐसा करना है, मतलब इनको जो इनके साथ इस तरह का ये जो बर्ताव करना है, इज सर्टेनली निश्चित रूप से क्या है, डिस्पिरिटिंग है। अभी देखो स्पिरिटिंग शब्द का मतलब होता है उत्साह से भरे होना, जोश को जगाने वाला, और डिस्पिरिटिंग का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करने वाला, उत्साह को कम करने वाला। तो ये जो सरकार का जो कदम है ना, मतलब जो कि मतलब गैर नीतिपूर्ण है, मतलब ये सरकार का कदम और किनके खिलाफ है, मतलब इन लोगों के साथ, मतलब जो कि इंडिया का समर्थन करते हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाना, ये निश्चित रूप से क्या है, हतोत्साहित करने वाला है, मतलब उत्साहजनक नहीं है ये काम, बट लेकिन साथ ही साथ डेंजरस, ये कदम जो है ना ये खतरनाक भी है। एंड बट डेंजरस इज़ द वैक्यूम, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना, जो खाली जगह क्रिएट हुई है, भाई जम्मू एंड कश्मीर में था मुख्य मुख्य लीडर को तो आपने क्या किया, डिटेंशन में डाल दिया, अब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना, मतलब तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बट डेंजरस इज द वैक्यूम दिस इज क्रिएटिंग, कि सरकार ये जो वैक्यूम को जो उत्पन्न कर रही है, क्रिएट कर रही है, ये जो वैक्यूम है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब द वॉइड, ये जो खाली स्थान बना है ना, ये जो जगह बनी है, विल बी फिल्ड, ये खाली स्थान जो है भरा जाएगा, किसके द्वारा भरा जाएगा, ओनली बाय फोर्सेस, उन ताकतों के द्वारा ये खाली स्थान भरा जाएगा,
इनिमिकल टू इंडिया, इनिमिकल 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 शब्द का मतलब होता है क्या, मतलब होता है इनिमिकल शब्द का, मतलब इनिमिकल शब्द का मतलब होता है हार्मफुल, अहितकर, जो कि डेट्रीमेंटल हो, जो कि अनफ्रेंडली हो। यानी कि अब ऐसे लोग जो है इस खालिस्तान को भरेंगे जो कि भारत की एकता के लिए हानिकारक हैं, जो कि मतलब भारत को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं ना, मतलब उसके लिए आया इनिमिकल टू इंडिया, वे लोग जो है इस खालिस्तान को भरेंगे, मतलब इसलिए और भी ज़्यादा स्थिति जो है संकटमय है। इफ़ द गवर्नमेंट रिमूव्स पॉलिटिशियन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस बाय रॉन्गली लेबलिंग देम एंटी इंडिया। तो ये पूरी लाइन है यहाँ से लेके और यहाँ तक कि ये जो खालिस्तान अगर ये जो क्रिएट होता है, मतलब ये खालिस्तान जो है ये मतलब ऐसी ताकतों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा भरा जाएगा जो कि भारत के लिए हार्मफुल है, भारत के लिए अहित करे, यदि सरकार, इफ़ द गवर्नमेंट रिमूव्स, हटा देती है, किन लोगों को हटा देती है, यदि सरकार हटा देती है ये जो पॉलिटिशियंस हैं उन पॉलिटिशियंस को पब्लिक स्पेस से, मतलब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है उस सार्वजनिक क्षेत्र से पॉलिटिशियंस को हटा देती है, बाय रॉन्गली, गलत तरीके से, लेबल, लेबल का मतलब एक ठप्पा लगा देना, देम एंटी इंडिया, मतलब उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है जो लोग अभी सरकार ने हिरासत में ले रखे हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मतलब अगर सरकार ये जो है क्या करती है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको सार्वजनिक जगह से, सार्वजनिक स्पेस से, उनके ऊपर एक क्या करने का, एंटी राष्ट्र का, मतलब एंटी इंडिया का ठप्पा लगा के अगर उनको जो है मुख्य धारा की पॉलिटिक्स से हटा देती है तो ये जो है गलत ताकतें जो है ना वो जो है मतलब अस्तित्व में आ सकती हैं, ऐसी ताकतें जो कि लिए भारत के लिए हानिकारक हैं। तो यही एडिटोरियल हमें यहाँ से यहाँ तक बताना चाह रहा है। अब देखो एक शब्द और आया है यहाँ पे, अमोरल। एक तो शब्द होता है अमोरल, एक शब्द होता है मॉरल, MORAL, और एक और शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमोरल, इमोरल, ठीक है। तो क्या हुआ शब्द, एक तो हुआ मॉरल अमोरल, एक हुआ मॉरल और एक हुआ इमोरल। अब इन तीनों शब्द को, तीनों को शब्दों को समझते हैं। मॉरल का मतलब होता है नीति, नीति के रूप में जब आप आचरण करते हो ना आप, मतलब कि भाई जैसे कि भाई सभी लोग, नीति क्या है, मतलब एक सामान्य सत्य कि भाई जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या करना गलत है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मॉरल, कि भाई ये नीति ऐसा कहती है मतलब। अब ये जो है दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है इमोरल। इस इमोरल शब्द का मतलब क्या है, इस इमोरल शब्द का मतलब है कि आपका जो कंसाइंस है, आपका जो अंतःकरण है, आपकी जो अंदर की आवाज़ है, उसको पता तो है कि यार ये चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी आप चोरी करते हो, तब हम क्या कहेंगे कि यार आपने इमोरल एक्ट किया, मतलब यार आपको पता तो है कि हत्या करना गलत है लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने हत्या की, मतलब तो भाई मॉरलिटी तो क्या कहती है, मॉरलिटी ये कहती है कि किसी की हत्या बेवजह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने जानबूझकर जो है किसी की हत्या की, मतलब तो ये क्या कहलाएगा, ये कृत्य इमोरल कहलाएगा। आपने जानबूझकर जो है चोरी की, मतलब तो ये कृत्य आपका इमोरल कहलाएगा। तो ये तो दो शब्द क्लियर हुए, मॉरल क्या है और इमोरल क्या है। अब तीसरा शब्द है अमोरल, AMORAL, अमोरल किसे कहते हैं। अमोरल का मतलब होता है कि आपके पास कंसाइंस ही नहीं है, आपके पास अपने दिल की आवाज़ ही नहीं है, आपके पास अपना ज़मीर ही नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अब उस छोटे बच्चे ने क्या किया, चींटी को मार दिया, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसने इमोरल एक्ट किया, उसको बोलेंगे हम अमोरल एक्ट किया उसने, भाई उसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, उसके पास अंतःकरण ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अमोरल शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि सरकार जो है ना वो अपना ज़मीर खो बैठी है, अपने अंदर की आवाज़ खो बैठी, मतलब उसे सही गलत का बोध ही नहीं रह गया, मतलब तो ये जो सरकार का एक्शन है ना उसको अमोरल कहा गया। मतलब अगर सरकार को ये पता होता कि सरकार का जमीर तो कह रहा होता कि साहब ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार करती, तब हम उस कदम को बोलते इमोरल, IMMORAL, तब हम उसको बोलते इमोरल। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, सरकार का एक कदम जो है ना ये अमोरल कहा है, यानी कि सरकार ने अपनी जमीर, यानी कि सरकार के पास जमीर है ही नहीं, तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं अमोरल का। तो ध्यान रखना, अमोरल एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पास आपका जमीर होता ही नहीं, आपको पता ही नहीं होता क्या सही है क्या जरल है। मोरल का मतलब है वैसा आचरण करना जैसा कि सामान्य तौर पे कहा गया है, और इमोरल, IMMORAL, इमोरल का मतलब होता है एक ऐसा आचरण जिसमें कि आप अपने कंसाइंस के खिलाफ जाते हो। अब एक और शब्द होता है, वो होता है अनमोरल, UNMORAL। तो ये तीन शब्द हुए, इसके बाद में चौथे शब्द को और समझ लो, अनमोरल। अनमोरल का शब्द का मतलब होता है जैसे सुनामी आ गई या फिर बाढ़ हो गया, अब नुकसान तो हो गया ना लोग बागों को, जान की हानि हो गई, लोगों की हत्याएं हो गई, लोगों का जो है विशाल पैमाने पे लोग मर गए, अब इसको क्या कहें, इस कदम को, ना तो ये अमोरल है ना ये इमोरल है, इसको हम बोलेंगे अनमोरल, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो हानि होती है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो गलत होता है उस गलत को हम बोलते हैं अनमोरल। तो यही
तो इन दो शब्द पे मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो इस प्रकार के क्या है, काफ़ी शब्द आते हैं मतलब, लेकिन समय अभाव के कारण जो है ना, हम एक एक ज़्यादा हर शब्द को नहीं ले सकते, तो इन पे ध्यान देना। मतलब क्यों, क्योंकि वन वर्ड में या फिर सिनोनिम एंटोनिम में ना आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो कन्फ्यूज़ ना हो, कल फिर मिलते हैं।